सिर्फ एक लाइसेंस की बेस पे आप अपने आप को काफी हद तक सिक्योर फील करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया कि हमें यूके आने से पहले हमारे पास कौन सी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए जिनकी बेस पे हमें यहाँ यूके आने के बाद जॉब इजीली मिल जाए। तो आज की वीडियो में उन तमाम बेसिक स्किल्स को ही डिस्कस किया जाएगा और आई एम श्योर अगर इन स्किल में से कोई भी एक आप स्किल आपके पास होती है तो आप यहाँ यूके आने के बाद आपको जॉब के हवाले से एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोज़ दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए जिनकी बेस पे आप यहाँ यूके में जॉब हासिल कर पाएंगे। जी सबसे पहली चीज़ जो कि कह सकते हैं कि मेरी भी एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैं मेरे पास नहीं थी, वो ये है कि आपके पास लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए और अगर आप यहाँ यूके में आना चाह रहे हैं तो आपके आप एक साल का इंटरनेशनल लाइसेंस भी बन जाता है, वो आप ज़रूर बनवा के लेके आएँ ताकि यहाँ आने के बाद एक साल कम से कम आपके पास हो। डेफिनेटली जब भी बंदा यहाँ पे नया आता है तो काफ़ी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती है एक टाइम पे, तो कम से कम एटलीस्ट आप एक साइड से अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और इजीली जब यहाँ आते हैं तो आपको डिलीवरी की जॉब इजीली मिल जाएंगी। इमेजिन करें अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट को यहाँ पे फुल टाइम अलाउ होता है और आपके पास लाइसेंस भी है तो गाड़ी आपको इजीली यहाँ पे 800-900 पाउंड की इजीली मिल जाएगी और आप फुल टाइम डिलीवरी जॉब करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस की बेस पे आप काफ़ी हद तक अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। पहले ये तो बात होगी कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अगर इमेजिन करें आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप मेरी तरह मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं बगैर लाइसेंस के, तो फिर आपको किस किस्म की मुश्किलात का फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ का जो प्रोसेस है वो हमारी होम कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। बेसिकली थ्री फेज होते हैं यहाँ पे लाइसेंस हासिल करने के लिए। एक आपको प्रोविजनल लाइसेंस जो जिसको हम लर्नर भी बोलते हैं वो तो ईजिली मिल जाएगा। देन थेरी टेस्ट होता है जिसकी एक इतनी मोटी किताब होती है और जो आपको क्लियर करना होता है। देन आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती बेसिकली, और यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो आपको एक घंटे के 25-35 पाउंड चार्ज करेंगे सिर्फ एक घंटे का लेसन देने के लिए, ठीक है। और इमेजिन करें तो अगर अल्लाह ना करे आपको बिल्कुल ही ज़ीरो है और यहाँ पे आपको लेसन लेने पड़ेंगे तो वो आपको कहाँ तक जाके पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से लाइसेंस ले के आते हैं तो काफ़ी आपको मिलेगी और यहाँ अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो आपको डेफिनेटली वो क्या कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो देन आपके पास ऑप्शन रहती है सिक्योरिटी जॉब। सिक्योरिटी जॉब्स में ऐसी कुछ साइट्स आपको मिल सकती हैं जो कि शहर से थोड़े सिटी से हट के होती हैं और परमानेंट साइट्स होती हैं और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके पास लाइसेंस होगा या फिर मेन गाड़ी हो सकती है, ठीक है। और सिक्योरिटी साइट्स में आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और ये परमानेंट साइट्स होगी और आपको 30 दिन आपको जॉब मिलेगी, कोई भी एक दिन आपको फ्री रहना नहीं पड़ेगा और इसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आने से पहले एटलीस्ट आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको जॉब के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी बेसिक कुकिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जो अपनी कॉस्ट है आपको बाहर से खाना नहीं पड़ेगा और आपको कुकिंग आती होगी आप खुद बनाएंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक मैंने आपको बचत हो जाएगी। जैसे इमेजिन करें कि एक दिन का यहाँ पे जो खाना है वो तकरीबन आपको 10 से 12 पाउंड वो पड़ सकता है उसमें, और मंथली काउंट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30 कर ले तो 360 के आसपास आपको एक महीने की कॉस्ट पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है किसी भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपको बेसिक कुकिंग आती है तो यहाँ पे होटल में किसी भी रेस्टोरेंट में आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास बेसिक कुकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये तो आपको कॉस्ट काफ़ी बचत होगी और उसके अलावा आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक
बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे जिस काम की धूम है उनमें कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई मीन डिमांड है उसकी। अगर आपको पास है कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे से कोई स्किल्स है, प्लम्बरिंग का काम आपको आता है या फिर इलेक्ट्रिशियन काम जानते हैं, तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है और काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे आने के बाद माल कमा सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं जी बार्बर शॉप्स की। यहाँ पे बार्बर शॉप की भी काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई है जी। अगर आपको बार्बर आती है, कटिंग वेयर आती है, किसी हवाले से कोई स्किल्स है आपको, तो इस फील्ड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो इन तमाम आई मीन स्किल में से कोई भी स्किल आपके पास है तो यहाँ आने के बाद आपको गारंटी करता हूँ कि आपको जॉब के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं हो। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक स्किल्स जो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो आई होप इस वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपके माइंड में किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।